यूपीएससी पी एस सी एस की टॉपर इशिता किशोर 2015 की टॉपर टीना डाबी और ऐसे कितने स्टूडेंट्स का नाम है इस लिस्ट में ये सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली इनको टॉपर बनाने वाली टीचर शुभ्र रंजन मैम आज हमारे साथ हैं मैम मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि टीचर्स या कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि हमारे कोचिंग से इतने बच्चे पास हुए इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ आप क्या हर साल ही टॉपर निकल रहे हैं क्या ऐसा पढ़ा रही हैं आप मतलब क्या ऐसा कर रही हैं कि टॉप में तो बच्चों का नाम होता ही है आई थिंक कि आ, अपने काम से प्यार अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो अपने आप ही आप शायद उस लिमिट तक पहुंच सकते हैं आ, जिसकी सीमा नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ये जो मेरा काम है और उस काम के प्रति जो इंटेग्रिटी है वो सबसे बड़ा सूत्र अगर कहा जाएगा तो वो सक्सेस का है और बाकी बहुत अच्छे ढंग से उस एग्ज़ाम को पढ़ना उस चीज़ को समझना यूपीएससी की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किस तरीके के वो क्वेश्चंस बना सकते हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा सा आप कह सकते हैं ब्रेन स्टॉमिंग करते हैं और ये भी कहा जाएगा कि ऑफ कोर्स जो बच्चे भी आ रहे हैं तो आई एम लकी कि आई ऑलवेज गेट वेरी गुड स्टूडेंट्स टू आपने काम से प्यार की बात की तो शुरुआत आपके काम से ही करते हैं और आपसे ही करते हैं आप पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने कब से टीचिंग शुरू की और कितने सालों से आप पढ़ा रही हैं क्या हमेशा से ही आप टीचर बनना चाहती थी या कोई और ऑल्टरनेटिव प्लान था फिर आप इसमें आई देखिए मैं आ, सीतापुर को बिलोंग करती हूँ एक छोटा सा शहर है यूपी में लखनऊ के पास आ, मेरी फैमिली में अधिकांश लोग लॉयर्स हैं या टीचर्स हैं तो मैं मुझे ऐसे लगता है कि एक अनुवंशिक तौर पर ही शायद टीचिंग का शौक़ और बोलने का शौक़ था और मैं बचपन से ही मेरे अंदर कुछ पढ़ने पढ़ाने की काफ़ी इच्छा रहती थी तो मैं मोहल्ले के भी आसपास के जो बच्चे होते थे तो उनको भी ज़बरदस्ती बुला के पढ़ाती थी और शुरू से ही मतलब मैं टीचर बनना चाहती थी ऐसा नहीं है बट मुझे टीचिंग करते समय बहुत अच्छा लगता था तो वो एक नेचुरली होता गया और धीरे धीरे लोगों ने ऐसे कहना चालू किया कि आपका इस फील्ड में जो एक प्रोफिशेंसी है आपका इस फील्ड में जो विशिष्टता है वो काफ़ी फ़र्क है मतलब काफ़ी बड़ा एक आपका स्ट्रेंथ है तो उसको एक अनायास uh, ही आप कह सकते हैं कि एक फॉर्मल प्रोफेशन के रूप में फिर देखना स्टार्ट किया तो आई वॉज ऑलवेज इंजॉइंग वॉट आई वॉज डूइंग और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मेरा ये बेस्ट टाइम है जब मैं पढ़ा रही हूँ और uh, उसके बाद फिर मैं डेली यूनिवर्सिटी आई आई हैव बीन लकी टू बी अमंग द टॉपर्स इन द डेली यूनिवर्सिटी और uh, डेली यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ माई कॉलेज एंड हॉस्टल एंड धीरे धीरे फिर वो पढ़ाते पढ़ाते आज मैं यहाँ पे हूँ और uh, मैं यही कहूँगी कि एज अ प्रोफेशन तो नहीं सोचा था बट हाँ मज़ा आता था मैम क्या आपने भी कभी यू की तैयारी की एग्जाम दिया इंटरव्यू दिया आ, या बस स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हैं उसके लिए हाँ मैं प्राइमरली स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ और uh, मुझे टीचर टीचिंग में ही हमेशा से शौक़ रहा और वही मैंने किया मैंने थोड़े साइम टाइम डेली यूनिवर्सिटी के भी कुछ कॉलेजेस में पढ़ाया फिर मेरा सिलेक्शन यूपी हायर एजुकेशन कमीशन से हुआ तो मैंने यूपी के भी कॉलेजेस में पढ़ाया तो शायद मैंने टीचिंग ही की है टीचिंग ही थ्रू आउट मेरा रहा है आपने कभी भी यूपीएससी की तैयारी की यूपीएससी की तैयारी की बट कभी भी ऐसा ये नहीं था मतलब कि मेरा फर्स्ट यू में जाना ही है वो वो कभी मुझे उतना अट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज़ द थिंग वेयर आई कैन बी द बेस्ट आई कैन डू बेस्ट आई कैन ड्राइव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो आप कह सकते हैं अगर दो चीज़ों में प्रायोरिटी कभी दी तो हमेशा टीचिंग और टीचिंग स्किल्स को दी अच्छा ये तो आपकी बात हो गई अब मैं आपकी स्किल्स पर आती हूँ आप बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स ज़्यादा देती हैं अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैम का नाम सर्च करके तो आपको सबसे पहला या दूसरा जो सजेशन आएगा वो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स का ही आएगा मैं एकदम शुरुआत से शुरू करूँगी फिर पॉलिटिकल साइंस पे कोई भी बच्चा है जो यू की तैयारी करना चाहता है या चाहती है क्या प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करें मतलब क्या ध्यान में रखें क्या बेसिक चीज़ें हैं जिस पर सबसे पहले फोकस करना ज़रूरी है देखिए एक चीज़ आपने कही कि पॉलिटिकल साइंस बट हम लोग पूरा ही नॉट जस्ट पॉलिटिकल साइंस पूरा जनरल स्टडीज़ का ही हम लोग गाइडेंस देते हैं हालांकि बिकॉज ऑफ द टॉपर्स शायद वो कुछ चीज़ें छुप जाती है लेकिन पूरी चीज़ों का हम गाइडेंस देते हैं बच्चों को और फ्रॉम uh, बेसिक्स और uh, एज़ फार एज़ जैसे प्रिलिम्स की बात आप करी करते हैं तो प्रिलिम्स का प्रिपरेशन मैं समझती हूँ कि सबसे पहले आपको मेंस का प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि जब तक आप मेंस का प्रिपरेशन नहीं करेंगे आप प्रिलिम्स को नहीं संभाल पाएंगे तो मेंस का प्रिपरेशन करें आप उसके अंदर अपना जैसे मेन्स का प्रिपरेशन होता है उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एक डेप्थ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और प्रिलिम्स उसके ऊपर बेस होता है तो और वैसे भी अगर आपने मान लीजिए प्रिलिम्स की तैयारी करी और मेन्स में नहीं हुआ तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है और आज हम जैसे हमारा जो मेन क्लासरूम है वो तो पूसा रोड के ऊपर है बट आउट इंडिया हमारे 16 सेंटर्स रीजनल सेंटर्स हैं जहाँ पर भी जनरल uh, स्टडीज़ और ऑप्शनल और इवन ऑप्शनल में भी इवन सोशियोलॉजी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है uh, हमारे यहाँ हिस्ट्री पढ़ाया जाता है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं तो ये कंप्लीट हम लोग इवन इंटरव्यू है एस है मेंस uh, है टेस्ट सीरीज़ है सभी प्रकार की गाइडेंस प्रदान करते हैं जिससे कि बच्चों को इधर उधर नहीं जाना पड़े uh, मेरा एक सवाल और होगा टेलिम से जुड़ा हुआ कई बार हमने सुना है पेरेंट्स ऐसा कहते हैं कि यूपीएससी वाले बच्चे ना अलग ही दिखते हैं वो आठ नौ दस घंटे पढ़ाई करते हैं वो अलग ही उनमें टैलेंट दिख जाता है क्या ऐसा है कि एक सर्टन लेवल ऑफ चीज़ें बच्चों में होना ज़रूरी है या फिर सब में पोटेंशियल है वो मेहनत और उस पर ही डिपेंड करता है मैं यही कहती हूँ कि वन इज़ नॉट बॉर्न टॉपर वन बिकम्स टॉपर ठीक है और पोटेंशियल हर में है सब्जेक्ट टू द कंडीशन की आप में सक्सेस की चाहत कितनी है आप किस हद तक उस किस शिद्दत के साथ आप उस गोल को देखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है तो बहुत सारे बच्चे उस लेवल तक अपने एफर्ट को नहीं ले जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो अगर आप मुझसे पूछें कि टॉपर्स में क्या खास है तो वो बताना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि हर एक टॉपर भी अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति आप कह सकते हैं लेकिन सक्सेस के कुछ मूल मंत्र हैं और वो मुझे लगता है कि हर फील्ड में है चाहे आप जर्नलिज़्म की बात करें चाहे आप टीचिंग की बात करें वही है एक तो इंटेग्रिटी आपका कितना कमिटमेंट है अपने काम के प्रति फिर एक डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आप उस चीज़ के डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना आता है कि नहीं आता है क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स तो हम ऐसा नहीं है कि हमको 24 घंटे हम पढ़ सकते हैं हमें पढ़ना चाहिए इज़ अ डिफरेंट थिंग बट प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और सबसे इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए है कि आपके अंदर एक विश्वास बहुत चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग कॉन्फिडेंस बिलीफ इन योर सेल्फ एंड इन्जॉइंग द प्रोसेस एंड हैव दिस थिंग लाइक दिस कमिटमेंट तो ये सारी चीज़ें अगर आप कोई रखेंगे और ऑफ कोर्स डिस्ट्रैक्शन से बचना है क्योंकि इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट आप इवॉल्व कर रहे हैं आपका जो कंपटीशन है वो आपसे ही है तो आपको वो सारी रिक्वेस्ट्स आप कहें वो पूरा करना ही होगा जो यूपीएससी के एक्सपेक्टेशंस हैं तो टेक इट एज मतलब बहुत प्रोफेशनलिज्म के साथ आप एग्ज़ाम दें और मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम को क्लियर करना कोई बहुत मुश्किल चीज़ है सब्जेक्ट टू द कंडीशन आप जो करने जा रहे हैं आप उसको समझें वो है क्या आ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं लोग सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या फिर आप कहें कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स उसमें अंतर नहीं कर पाते हैं रिक्वायरमेंट नहीं समझते हैं सपोज अगर करेंट अफेयर्स का सेक्शन है तो वो क्यों है उस चीज के ऊपर सोचना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं तो यूपीएससी हमारे से क्या अपेक्षाएं रख रहा है और ऑब्वियसली आपको वो अपेक्षाएं आप पूरी करनी ही होंगी कि किस वजह से सवाल पूछे जा रहे हैं मेन्स पर आती हूँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी पे रहता है कि ऑप्शनल में क्या लें क्या ऑप्शनल लेते वक्त इस हिसाब से सोचा जाए कि ज़्यादा सक्सेस रेट इन सब्जेक्ट से आ रहा है तो ये ले लिया जाए या फिर एक्चुअली अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि मुझे इसमें पढ़ना या इस बारे में काम करना या इस बारे में सोचना पसंद है तो ये लिया जाए क्योंकि अधिकतर ये ही कन्फ्यूजन रहता है कि पिछले साल इससे ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे इस ऑप्शनल सब्जेक्ट से तो चलो यही ले, ले लेते हैं ठीक है तो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है एज़ फार एज़ ऑप्शनल इज़ कंसर्न तो मैं एक सीधी सलाह दूंगी आम तौर पर कि आप ह्यूमैनिटीज के ही ऑप्शनल सेलेक्ट करें आप साइंस के ऑप्शनल्स को अवॉइड करें जब तक कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के पूरी तरह से आपके अंदर विश्वास है कि यू विल एक्सेल ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल सेलेक्ट करने का सजेशन मैं इसलिए देती हूँ कि अगर हम ओवरऑल स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम देखें तो जनरल स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है एसेस का बहुत बड़ा रोल है आपके आ, इंटरव्यूज़ और सभी चीज़ों में तो ह्यूमैनिटीज़ से क्या होगा कि टाइम मैनेजमेंट इज इज़ अ की हियर क्योंकि आपको जो कुछ पढ़ना है उसका कैनवास बहुत बड़ा है तो टाइम मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट ये दो चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं तो जब आप ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लेते हैं तो उससे आपको जनरल स्टडीज़ में भी फायदा होता है और जनरल स्टडीज़ का जो आपका नॉलेज है उसको ह्यूमैनिटीज में आप यूज़ करते हैं तो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है टाइम मैनेजमेंट अब आता है कि अब ह्यूमैनिटीज़ में कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए और उसमें क्या कंसिडरेशन्स होते हैं तो मेरे हिसाब से ह्यूमैनिटीज के लगभग सब सब्जेक्ट्स एक ही जैसे होते हैं आ, एवरी सब्जेक्ट हैज़ बिकम इंटर डिसिप्लिनरी और लगभग सब में एक ही स्किल की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जैसे आप मैं अनमोल शेर सिंह बेदी जी की बात करती हूँ जो सेकंड रैंक लाया लाए हैं वो इंजीनियर थे मिरांथ पारिक हैं उनकी भी ऐसी ही रैंक थी और इनका कोई बैकग्राउंड उस टाइप का नहीं था और ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने प्रिलिम्स के बाद क्लासेस को ज्वाइन किया तो बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है बैकग्राउंड इन द सेंस कि आप किस सब्जेक्ट से आते हैं ये मैटर नहीं करता है बैकग्राउंड मैटर करता है कि आपने अपनी एजुकेशन के दौरान क्या स्किल सेट्स गेन किए हैं आपके पढ़ने का तरीका क्या है अब नेक्स्ट है जब भी आप चुनाव करें तो आई सेड बैकग्राउंड देखें इसके साथ साथ आप ये देखें कि आ, ट्रेंड भी मैटर करता है और ट्रेंड जैसे अगर कहे जाए कि पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट मैं बताना चाहूँगी कि फ्रॉम 2014 मेरे अपने ही स्टूडेंट्स अराउंड 90 प्लस 100 के रेंज में रहते हैं कुछ और भी बच्चे होंगे तो आप ये समझिए कि ये पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट क्यों आ रहा है इट्स नॉट डेट पोलिटिकल साइंस का रिजल्ट आ रहा है इसका मतलब ये है कि प्रिपरेशन की अपेक्षाएं पूरी की जा रही हैं तो प्रिपरेशन में क्या है कि एक इकोसिस्टम होना चाहिए आप सिर्फ केवल इंटरेस्ट से भी गवर्न नहीं हो सकते हैं बिकॉज इंटरेस्ट है लेकिन मार्गदर्शन नहीं मार्गदर्शन है तो पूर्वक हो नहीं ये भी है कंटेंट है या नहीं है तो तीन चार चीज़ें आप देखिए एक तो मार्गदर्शन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है गाइड नेक्स्ट है कंटेंट नेक्स्ट है जो एक इकोसिस्टम है क्योंकि क्लासेस करने के बाद भी आपको उस चीज़ को apply क्या अप्लाई कैसे करें यह आना चाहिए तो टेस्ट सीरीज़ की व्यवस्था क्या है तो पूरा इकोसिस्टम आप एक रखिए कि जहाँ पे आपको लगे कि एक संतुलन बन रहा है और चीज़ें लगभग अवेलेबिलिटी है तो मैं तो कहूँगी कि बहुत इंटरेस्ट मैटर नहीं करेगा क्योंकि इंटरेस्ट है लेकिन मार्गदर्शन नहीं फिर आप कैसे आगे पढ़ेंगे उसमें और अगर अच्छा मार्गदर्शन है इंटरेस्ट नहीं भी है तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और ह्यूमैनिटीज में आई डोंट थिंक कि आप चाहे पॉलिटिकल साइंस लें आप फिलासफी लें आप सोशियोलॉजी लें आप हिस्ट्री लें तो बहुत इवन इकोनॉमी बहुत सारा ओवरलैपिंग है तो लुक फॉर द good guidance because guidance is very important there is no scope for time and error people can easily i always believe and matlab jo main bata rahi hu that is based on my experience maine aisa hote dekha hai ki aap ek single attempt mein cheeze kar sakte hain बच्चे आजकल के काफ़ी smart है अगर आप उनको थोड़ा सा guidance देंगे कि ये करना है लेकिन इसके साथ साथ क्या नहीं करना है ये भी अगर बता दिया जाए और आप स्मार्टली चीजों को देखें और उसका कोई विकल्प नहीं इस बात पर तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूं आपसे लेकिन जब भी हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं एक फैक्टर जो हर कोई एक्सेप्ट करता है वो नर्वसनेस है कि थोड़ी तो रहती है वो हल्की सी एंगजाइटी या क्या होगा कैसे होगा हर स्टूडेंट ने लगभग ये बात बताई है इंटरव्यू से पहले खास करके उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें देखिए एंगजाइटी रहेगी वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स फाइन है बट इशू uh, ये है कि एन्जाइटी को ओवरकम करना नेक्स्ट क्वेश्चन है एनजाइटी है बट आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई शुड बी अवेयर कि मैं एन्जाइटी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता हूँ आई विल बी हार्मिंग माई सेल्फ तो जब क्वेश्चन ये है कि कोई चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाएगी तो ऑब्वियसली आई हैव टू बी स्ट्रोंग इनफ टू काउंटर दिस एंड मेरा ऐसा मानना है कि एवरी थिंग लाइज इन अवर थिंकिंग तो ये सब चीज़ें हैं अगर आप सोच लेंगे और इन चीज़ों के ऊपर आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा इन फैक्ट प्रिपरेशन के दौरान तो आप कम चुनौतियां फेस करते हैं आप जब सर्विसज में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चुनौतियां फेस करते हैं और आप ये खुद सोचिए कि अगर आप इस तरीके से एनजाइटी और इन तरीके की चीज़ें होती हैं तो क्या फील्ड में आपसे अपेक्षाएं आप हैं क्या आप उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं तो इस चीज़ों का विकल्प नहीं है हमें किसी भी तरीके के हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो ख़त्म करने चाहिए आप डिफरेंट मेजर्स लीजिए मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रिपरेशन है और इसका जो एंड गोल है ये इतना इंटरेस्टिंग है तो एनजाइटी होनी नहीं चाहिए और आपका जो एटीट्यूड है अल्टीमेटली योर एटीट्यूड मैटर्स इन क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम क्योंकि अगर आपके साथ वो एटीट्यूड नहीं हुआ एक अच्छा एटीट्यूड इन द सेंस पॉजिटिव थिंकिंग एबिलिटी टू टेक रिस्क बी प्रैक्टिकल यू हैव टू बी प्रैक्टिकल बिकॉज नो वन कैन गिव हंड्रेड परसेंट गारंटी लिव इन द प्रेजेंट आप एन्जाइटी आप रिजल्ट के बारे में मत सोचें उसमें आप अपना अननेसेसरी टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं तो आपको स्किल्स हैं एप्टीट्यूड्स हैं कैपेसिटी बिल्डिंग है इस पर अगर ध्यान देंगे तो मुझे नहीं लगता एनजाइटी के लिए टाइम भी है इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और है आप इंटरव्यू जब बच्चे देने जाते हैं या जो मॉक इंटरव्यूज़ देने के लिए आते होंगे उस वक्त पर आप कैसे सवालों के लिए उनको प्रिपेयर करती हैं कि अगर कोई सवाल का जवाब नहीं आता तो क्या ब्लंटली ना बोलने के लिए रेडी करना या उसको किस तरह से ट्विस्ट करें क्या बहुत ऑनेस्ट रहे इंटरव्यू में या थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करें कि नहीं भी आता है तो करके देखिए मैं जो इंटरव्यू की गाइडेंस है जिस दिन से बच्चे क्लास में आते हैं मैं उसी दिन से चालू करती हूँ मैं इंटरव्यू की गाइडेंस मेंस के सिलेक्शन के बाद नहीं करती हूँ क्योंकि क्लास में पढ़ाते समय जब आप फिलोसफर्स पढ़ाते हैं आप बहुत सारे चीजों को बताते हैं तो साथ साथ में बताती रहती हूँ कि जैसे आपको इस तरीके से अपने आप को इन्फ्लुएंस करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली इंटरव्यू में एक प्रश्न रहता है कि आप अपने बारे में बताएं हु एम आई तो लोग जनरली बताते हैं कि आई एम फ्रॉम दिस प्लेस आई हैव दिस एजुकेशनल क्वालिफिकेशनस एंड ऑल बट आप अपने फ़िलोसफी या इन चीज़ों में जो हमने पढ़ाया है आप उस पर जाए कि हु एम आई वॉट इज़ माई आइडेंटिटी एज अ पर्सन फाइन सो I have two identities. One in terms of achievement, but in terms of as a person. To so as a person, आपकी क्या characteristics हैं, uh, आपकी characteristics ये हो सकती हैं कि आप में courage हो, आपकी characteristics तो आप उन चीजों की बात करें। तो ये जो interview का preparation मुझे नहीं लगता है कि कुछ दिनों की बात है, ये personality को nurture करने की बात है, जो over the years होती है। ऑफ कोर्स सिचुएशन हैंडलिंग आपको करनी पड़ेगी इंटरव्यू में और अगर आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो अक्सर वो सिनेरियो नहीं भी आता है लेकिन ठीक है अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है आप मना भी कर सकते हैं आप उनसे परमिशन ले करके एक इंटेलिजेंट गेस भी कर सकते हैं तो जो भी लगना चाहिए वो ये लगना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो तार्किक है वो कुछ कोशिश कर रहा है हम ये इम्प्रेशन नहीं क्रिएट करना चाहिए कि आई वॉन्ट टू जस्ट क्रिएट एन इम्प्रेशन या मेरे अंदर इगोइज़म है और मैं बिना किसी आंसर दिए वापस आ जाऊँ तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए और इंटरव्यू uh, क्या है एक तरीके का कम्युनिकेशन है और कम्युनिकेशन आप केवल बोल के नहीं करते हैं आपका फेशियल <laughs> एक्सप्रेशंस आपका बॉडी लैंग्वेज एंड ऐसा भी हो सकता है कि बोर्ड में लोग आप क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा आप किस तरीके से चीजों को रख रहे हैं तो उसको आप अपनी पर्सनैलिटी और आंसर्स को भी बहुत होलिस्टिकली लें रिलैक्स रहें यह समझिए कि आपको डिस्ट्रिक्ट संभालनी है आपको एक पुलिस डिपार्टमेंट संभालना है तो आप कैसे व्यक्ति होने चाहिए और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कंपटीशन कितना हाई है तो देर इज़ नो स्कोप फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेसेंसी या वो तो है ही नहीं और अपनी तरफ से आप बेस्ट दें ठीक है आपको इनफाइनाइट क्वेश्चंस हो सकते हैं सब तो नहीं आएंगे आप अपनी तरफ से बेस्ट दें इन्जॉय करें उस समय अच्छा फील करें ये इम्पोर्टेंट है आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे निकाले हैं जो टॉपर्स रहे हैं जो आई बने हैं क्या वो आई बनने के बाद वापस टच में रहते हैं या फिर अधिकारी ही बन जाते हैं फिर समय नहीं मिलता उनके पास देखिए सब तरीके के बच्चे होते हैं मैं कभी जनरलाइज नहीं करती हूँ तो कुछ बच्चे हैं जो टच में रहते हैं कुछ नहीं भी रहते हैं कुछ की व्यस्तताएं रहती हैं कुछ नहीं भी रह पाते हैं बट सभी तरीके के बच्चे हैं तो जनरलाइज करना थोड़ा मुश्किल है अच्छा अब इस सवाल पर आते हैं इस साइड पर जाते हैं कि टॉपर्स मतलब हर टॉप टेन जब भी लिस्ट आती है पिछले पाँच छः सात साल के रिजल्ट मैं देख कर आई हूँ इस इंटरव्यू से पहले टॉप दस में बच्चे रहते ही हैं क्या आपको ऐसे जब स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास लेते हैं आपको पता होता है कि इसमें पोटाश है ये टॉप टेन में जाने वाला है तो इस पर ज़्यादा मेहनत की जाए मतलब आप पहले ही पहचान लेती है कि होगा ऐसा इस स्टूडेंट के साथ एक्चुअली ये सब बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कुछ बच्चे शुरू में कंसिस्टेंट और अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन इंसान को क्या होना पड़ेगा कि लंबी रेस का घोड़ा आए विल से कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं और ऐसे देख के बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बच्चे भी बहुत सारे होते हैं लेकिन फिर भी यस और हर बच्चा मतलब आ, अब क्लासरूम इतना बड़ा रहता है सात सौ आठ सौ बच्चे उसमें रहते हैं तो हर बच्चे को इंडिविजुअली जान पाना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन उसमें से कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ आते हैं इंटरेक्ट करते हैं वो एक्टिव हैं तो उनमें से आ, उनके जो आंसर्स होते हैं उनकी जो बातें हैं इवन क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस जो वो क्लास में पूछते हैं उससे पता चल जाता है आ, लेकिन सारी चीज़ें मतलब आई डोंट थिंक कि कोई एक डेफिनेट आंसर इसका दिया जा सकता है तो कई लोग बहुत सरप्राइज भी देते हैं कई लोगों का रिज़ल्ट एज एक्सपेक्टेड भी आता है अच्छा ये तो हमने अब तक बात की सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की अब वो बच्चे जिन्होंने नाम कमा लिया हम जब यू का रिज़ल्ट देखते हैं तब तो जो नौ सौ साढ़े बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो 0.8 परसेंट होता है जितोंने एग्ज़ाम दिया जैसे इस बार भी 10,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया 990 के अराउंड कुछ सेलेक्ट हुए फेलियर रेट इसमें बहुत ज़्यादा है और बहुत कम ही हमें बच्चे ऐसे मिले जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया दो तीन चार अटेम्प्ट फेलियर तो सभी देखते हैं मतलब या अधिकतर बच्चे देखते ही हैं उस फेलियर के टाइम पे कैसे खुद को संभालें और जो बच्चे इस बार नहीं क्लियर कर पाएंगे उनके लिए भी एक मैसेज और सीख होगी कि क्या करें देखिए शायद मैं ये बताना चाहूँगी कि पिछले कुछ सालों से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले बच्चों की एक्चुअली संख्या बढ़ी है और नेक्स्ट uh, यही है कि uh, जैसे ऑफ कोर्स जब इतना मुश्किल एग्जाम है इतने सारे लोग बैठेंगे तो ऑब्वियसली फेलियर्स आएंगे बट फेलियर्स uh, को हम कैसे ले रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है कि आप फेलियर्स को देख करके आप उस पर अपना समय बिना मतलब ज़ाया कर रहे हैं या अपने आप को नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो uh, एक मैं अक्सर मैं मेरी आदत है मैं कुछ ना कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करने लगती हूँ तो एक थिंकर है पॉलिटिकल साइंस में मैकियावेली और मैकेवेली ने बताया है कि सक्सेस के लिए लक की भी ज़रूरत होती है मतलब अगर आपका 99 परसेंट एफर्ट है तो 1 परसेंट लक मैटर्स बट लक जो है इट ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव उन्होंने लिखा है कि नेचर ऑफ फॉर्च्यून इज़ लाइक वुमेन और उसमें वुमेन की क्वालिटी उन्होंने बताई है कि वुमेन ऑलवेज एम्ब्रेस द ब्रेव मैन सो द आइडिया इज़ कि आप uh, करेज के साथ अपने को फिर से दूसरी पारी के लिए अगर तैयार करते हैं और इस बात की एनालिसिस करते हैं कि पिछली बार आपसे क्या मिस्टेक्स हुई और ये मिस्टेक्स हमें रिपीट नहीं करनी है तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल आपके सामने आएगी और मैं हमेशा जब भी किसी भी मंच पे जाती हूँ या बच्चों से मिलती हूँ तो मुझे विवेकानंद जी का ये जो कोट है मुझे भी अपनी लाइफ में बहुत उसने हेल्प की है मैं हमेशा बताती हूँ कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं तो जब तक आप लड़ने की हिम्मत रखते हैं क्षमता रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप हारते हैं आ, आपने बीच में एक बात की विमेन की और उनकी क्वालिटीज की हमने इस बार भी देखा टॉप टेन में जो टॉप चार लड़कियां हैं लास्ट टाइम भी ऐसे ही कुछ रिजल्ट था लड़कियों का सक्सेस रेट बहुत बढ़ रहा है बहुत सारी लड़कियां सक्सेसफुल हो रही है क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल भी है कि क्या ये लड़कियां जब सिस्टम में जाती हैं तो वैसा इम्पैक्ट क्रिएट होता है जिसकी हम बात करते हैं कि वो इक्वल सिस्टम मतलब उस सिस्टम में जाकर वो चेंज आएगा जैसे इक्वालिटी की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेंगे हम हाँ डेफिनेटली मैं तो सोचती हूँ कि अगर एक थोड़ा सा भी चेंज है तो उसको एक सिग्निफिकेंट स्टेप मानना चाहिए और वुमेन uh, एम्पावरमेंट के लिए ऑफ कोर्स uh, इस तरीके की जो चीज़ें हैं या सक्सेस रेट हैं इट गिव्स अ ह्यूज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन और uh, बहुत बार ऐसा देखा भी गया है स्टडीज़ भी शो करती हैं कि uh, जब इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं या सिविल्स केवल सिविल सर्विसेज परीक्षा की बात नहीं की जाए आप बात कर सकते हैं इवन पंचायत स्तर पर तो जब महिलाएं इसमें आगे आती हैं उनका अचीवमेंट्स हैं और इनफैक्ट मेरे भी अपने कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे बाद में पता चला कि वो कभी भी सिविल सर्विसेज करने यहाँ नहीं आए थे या आई थी और उनका लक्ष्य था कि वो पंचायत में जाएंगे या कुछ इस तरीके से बट दे वॉन्टेड कि एक क्लास में उन्हें थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा और चीज़ों की समझ बन जाएगी तो कुछ मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट पंचायत लेवल पर प्रधान के रूप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें एक भक्ति जी हैं शर्मा हाँ है। वेरी वेल नोन तो आ, ये भी है तो ऐसा एक स्टडीज शो करती हैं कि जब इस तरीके के चेंजेस आते हैं तो पेरेंट्स भी काफी मोटिवेटेड रहते हैं टू एजुकेट द गर्ल चाइल्ड तो ये सारा एक पॉजिटिव रोल तो ऑफकोर्स है ही अब नेक्स्ट है अगर मैं कहूँ कि एक वुमेन का सक्सेस रेट क्यों बढ़ रहा है तो वुमेन में अवेयरनेस आई है पेरेंट्स में भी एक दृष्टिकोण बदला है और बदलता ही अब हम आप ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में रह रहे हैं लेकिन चाहे एक स्टूडेंट या एक्सपीरियंस के रूप में देखें या मैं खुद एक संस्था चलाती हूँ तो मेरी संस्था में भी बहुत सारी आ, महिलाएं हैं या एक टीचर के रूप में मैं खुद के लिए भी कह सकती हूँ कि मैंने देखा है कि जब भी एक वुमेन काम करती हैं तो उनके लिए जो काम है वो आ, केवल एक प्रोफेशन नहीं होता है वो उनके लिए एक अस्तित्व का प्रश्न भी होता है और हमेशा अभी भी शायद हम उस स्टेज पर हैं जहाँ वुमेन को प्रूफ करना पड़ता है तो जब आपकी चुनौतियां ज़्यादा होती हैं तो ऑब्वियसली आपका कमिटमेंट बढ़ता है तो शायद मुझे लगता है कि लड़कियों में ये एक पार्ट है जो भी एक रोल प्ले कर रहा है कि दे हैव टू प्रूव समथिंग दैट इन नो वे देयर इज़ एनी डिसएडवांटेज इन बीइंग वुमेन एंड मैं तो कह रही हूँ कि ये सब ये जो जो रिजल्ट्स इस साल आए या इससे पहले भी आए तो ऑब्वियसली दिस इट्स सेल्फ विल बी अ वेरी विल गिव अ वेरी पॉजिटिव मैसेज और नॉट जस्ट मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फील्ड इन द सिविल सर्विसेज आप बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पर uh, इससे इंस्परेशन मिलता है मैं अब इस साल की जो टॉपर है इशिता किशोर उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया मैंने उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि उनका पिछले दो बार में प्रीलिम्स भी नहीं निकला था और इस बार सीधे टॉप कर गई तो क्या पढ़ाई के दौरान आपने देखा कि उन्होंने कौन से ऐसे चेंजेस पर काम किया या आपको क्या वजह लगती है उनके इस रिज़ल्ट की देखिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखना और चीज़ों को कंसिस्टेंटली करना आप कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी होती है हर किसी को कभी किसी को सक्सेस पहले मिल जाती है किसी को उसके लिए वेट करना पड़ता है लेकिन यही है कि आप अपने आप में कितना ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं कितना ज़्यादा आप अपने आप को समझते हैं जैसे अगर मैं ये समझती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ आज नहीं तो कल तो आप अपने आप को समझें अपने आप को टटोलें ये देखें कि क्या गलतियाँ हुई हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है तो यही सारी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगी बाकी तो यही है कि एग्ज़ाम ही ऐसा है आप कुछ उसके बारे में कह नहीं सकते हैं लेकिन यस, आप प्रिपरेशन करते समय यू शुड बी वेरी श्योर कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं और हमेशा आप जो भी करें आप ये देखिए कि क्या इस ये करना सही है या नहीं है बी एन एक्टिव लर्नर थ्रू आउट द टाइम बी एन एक्टिव माइंड थ्रू आउट द टाइम एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एक सवाल मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है पॉलिटिकल साइंस इससे जुड़ा भी है कि आपको क्या लगता है मतलब पॉलिटिकल साइंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है इसीलिए बच्चों की बहुत ज्यादा प्रेफरेंस होती है या बहुत स्कोरिंग है मतलब मैक्सिमम टॉपर्स उससे निकलते हैं वो वजह है और आपको क्यों इतना ज्यादा पसंद करते हैं पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर सुनने के लिए मतलब आपको क्यों वो बेस्ट मानते हैं कि ये बेस्ट टीचर है पॉलिटिकल साइंस की जब बात आए ऑप्शनल ये तो बच्चे ही बताएंगे ये तो मैं क्या बताऊ लेकिन आ, एज ए टीचर जो इन जनरल लोग सोचते हैं वो ये है कि uh, जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो लोगों को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं uh, मेरे जो नोट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि केवल इतना नोट्स हमने किया और मैम के लेक्चर सुन लिए तो हमारा काम हो जाएगा अब नेक्स्ट है कि पॉलिटिकल साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है या क्यों इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो मैं कहूँगी कि uh, एक टाइम था जब ऐसा नहीं था बट 2013 के बाद जब से ऑप्शनल एक पूरा यूपीएससी के प्रिपरेशन का ट्रेंड बदला है तो हम देखते हैं कि जनरल स्टडीज में अक्रॉस द पेपर्स पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी बड़ा योगदान है और उस फिर जिस तरीके से अभी एस के पेपर्स में भी चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को एक एज मिलता है और ये विषय भी एक बहुत रोचक विषय है और मैं ऐसा मानती हूँ कि उस विषय का पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसिप्लिन है मास्टर साइंस उसको कहा जाता है तो कई कई फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं मार्गदर्शन कंटेंट रेलिवेंस ओवरलैपिंग विथ जनरल स्टडीज एंड ऑफ कोर्स द इंटरेस्ट एंड टू लार्ज एक्सटेंड शायद क्लासेस uh, भी बच्चों के लिए हेल्प कर रहे हैं एक बड़ा क्लीशे सा सवाल है जो क्या पता मिथ है या सही है क्योंकि मैंने कभी तैयारी नहीं की इसलिए मुझे पता नहीं आपसे पूछना चाहूँगी कैसा है कि आठ दस घंटे पढ़ाई करना डेली ज़रूरी ही है मतलब अगर ये नहीं कर सकते तो फिर तो यूपीएससी की तैयारी करो ही मत नहीं मैं तो ऐसा मानती हूँ कि कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप आठ घंटे पढ़ें या बीस घंटे पढ़ें डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ आप कर रहे हैं क्वालिटी स्टडीज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप पढ़ रहे हैं लेकिन क्या आप सही ढंग से पढ़ रहे हैं सही तरीके से पढ़ रहे हैं मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने जॉब के साथ किया है और बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स वो लेकर के आए हैं तो शुरुआत में तो मुझे लगता है कि आप को अगर कंसिस्टेंटली चार से पाँच घंटे भी पढ़ रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन चीज़ है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप समझ रहे हैं कि नहीं मैंने देखा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं आप प्रोसेस को कर रहे हैं लेकिन क्या उसके जो सब्सटेंस पर ध्यान दे रहे हैं तो पढ़ने के आवर्स के साथ साथ पढ़ने के तरीके को आप ध्यान दीजिए चीज़ों को आप समझ के पढ़िए और पढ़ ये एक साल भर का प्रिपरेशन है तो साल भर के लिए आप एक डिसाइड करिए कि, कि किस चरण पे आप क्या करेंगे ऑब्वियसली अगर एक दो महीने रह गए हैं एग्ज़ाम से तो आपको आठ घंटे क्या उस समय तो आपको बारह घंटे पढ़ना पड़ेगा मैं तो यही कहती हूँ कि भाई सोने के अलावा और आपके जो भी रेगुलर वर्क है उसके छोड़ के आपको हमेशा उसको पढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर आज बच्चा स्टार्ट कर रहा है तो फोकस आप ये रखें कि आप उतना करें कि आप कंसिस्टेंट रहें आप पूरे साल एक रूटीन बनाने का प्रयास करें कि आप एक रूटीन में अपने आप को ला पाएं क्योंकि डिसिप्लिन एक बहुत मुश्किल विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो हमें अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करना होता है हमें अपने माइंड को डिसिप्लिन करना होता है उन चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा कि आप भाई चार घंटे टेबल पर बैठ सकते हैं कि नहीं चार घंटे आप सोशल मीडिया बंद कर सकते हैं कि नहीं तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दें और हमेशा समझ के पढ़ें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें आप क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें एकदम ये नहीं कि हमको पढ़ना है हर चीज़ें खत्म करनी है लेकिन हमें क्या पढ़ना है उसके लिए भी एक अच्छा समय आप इन्वेस्ट करें जिससे आगे की चीज़ें अच्छे से चलें और टाइम वेस्ट नहीं हो अच्छा हमने अक्सर देखा है बच्चों के साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ रही हूँ इसलिए सारे इंपॉर्टेंट सवाल तो पूछ लेती हूँ सब टाइम टेबल ज़रूर बनाते हैं एकदम अच्छे से लगा के अपने के ऊपर सब ने अपने स्टूडेंट लाइफ में किया होता है कि डेस्क के ऊपर चिपका दिया कि ये करेंगे सुबह आठ बजे उठेंगे इतने देर खाना खाएंगे पूजा पाठ करेंगे नाश्ता करेंगे फिर पढ़ने बैठेंगे फिर लंच करेंगे सब कुछ शॉर्ट होता है बस वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता क्या वजह लगती है क्यों नहीं कर पाते सोचने के बाद भी प्लान बनाने के बाद भी देखिए बच्चों की बात छोड़िए शायद हम लोग में से कोई भी वो टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकता है द थिंग इज वी आर ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट रोबोट्स आपने अपना टाइम टेबल बनाया लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे आपको कंट्रोल नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी तबीयत खराब हो गई आपके घर में कोई इमरजेंसी आ गई लेकिन फिर भी एक निर्देशक के रूप में आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए ठीक है आप एक सोच तो रखें कि हमें ये चीज़ें करनी हैं और इस तरफ जितना भी अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ एक भी कदम एक परसेंट भी आगे जाते हैं तो वो एक अचीवमेंट ही मानिए प्रैक्टिकली नो वन विल बी एबल टू फॉलो द टाइम टेबल और मुझे लगता है कि

उसके ऊपर आप ध्यान दें मान लीजिए आपका दिन में टाइम वेस्ट हो गया है तो आप आ, कोशिश करें कि आप रात में फिर एक्स्ट्रा टाइम लेकर के उसको ख़त्म करें और फिर भी आप अगर कुछ भी नहीं ख़त्म करें तो कम से कम आप अपने आ, दिमाग पर तनाव नहीं लें आप ये गिल्ट कॉन्शियस नहीं रहना चाहिए कि मैंने जो जो तरीका सोचा था वो नहीं हो पाया यही एक प्रैक्टिकलिटी एंड प्रैक्टिकल एटीट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो नहीं हुआ लेकिन आगे की चीज़ हम कैसे सुधारें प्रयास रखें नो वन कैन बी परफेक्ट आप आज भी आज से और एक छः महीने बाद भी आप एक व्यक्ति नहीं होंगे आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ चुका होगा आज नहीं फॉलो किया कल फॉलो करेंगे नीत टाइम टेबल का इम्पोर्टेंस बस एक गाइडलाइंस के से ज़्यादा नहीं हो सकता है बी वेरी प्रैक्टिकल आखिरी सवाल बस मैं आपसे यही पूछूंगी कि क्या आइडेंटिफाई करे कोई भी स्टूडेंट खुद में कि मैं यूपीएससी की मतलब ये ठान लिया है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है ये करना है अब किस चीज़ पर काम डेफिनेटली करें ही और फिर आगे बढ़ें डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी की बात तो आ, आपने कई बार कही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम में लैंग्वेज लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज मेन्स का जो एग्जाम है वो सबसे बड़ा आप मान सकते हैं स्टेप है और उसमें लैंग्वेज की भूमिका है अब लैंग्वेज डज नॉट मीन कि आपकी बहुत लिट्ररी uh, लैंग्वेज uh, हो लेकिन आपका जो कम्युनिकेशन हो वो बहुत अच्छा हो फ्लॉलेस हो आप अपनी बात कह पाए और सामने वाला उस चीज को समझ पाए तो लैंग्वेज को आप डेवलप करें अब लैंग्वेज को आप कैसे डेवलप करेंगे इसके लिए आप अच्छी राइटर्स की बुक पढ़ें फाइन तो बच्चे क्या करते हैं कि जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सीधे गाइड बुक्स ले लेते हैं तो गाइड बुक्स में आपको फैक्ट्स मिल सकते हैं लेकिन एक अच्छे ऑथर ने वो जो चीज़ लिखी है उससे जो आप चीज़ें सीखेंगे उसको कम से कम आरंभिक चरण पर आप मिस ना करें नेक्स्ट है कि जैसे जो बच्चे फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं उनके पास काफ़ी टाइम है तो वो कुछ जनरल रीडिंग्स की हैबिट डालें आप इंडियन इकॉनमी है इंडियन सोसाइटी है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है इस पर कुछ जनरल बुक्स पढ़ें फॉर एग्जांपल आप इकॉनमी में अमर्त्य सेन की आप पढ़ सकते हैं आप इंडियन कल्चर में एल बैशम की बुक है आ, कुछ ऐसे या फिर आ, हिस्ट्री के ऊपर कुछ ऐसे नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ें शशि थारूर की बुक्स आप पढ़ सकते हैं जिससे कि कुछ अच्छे आइडियाज़ से आपका सरोकार हो जिससे कि आपकी लैंग्वेज डेवलप हो आप ये सीखें कि आ, ऐसे लोग जिनकी राइटिंग्स अच्छी लगती है तो वो किस तरीके से उस चीज़ को डेवलप करते हैं तो क्योंकि एक बार जब एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट होगा तब आपको आ, इसके बारे में आ, कोई विशेष टाइम मिलेगा नहीं तो आप कैपेसिटी बिल्डिंग करें आप लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू प्ले अ की रोल और कई बच्चों को मैं कहूंगी बहुत छोटी सी बात है बट बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अपनी राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है आपने कितना भी अच्छा लिखा हो लेकिन अगर आ, राइटिंग अच्छी नहीं है आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो शायद कोई पढ़ना नहीं चाहेगा किसी और का टेक्स्ट पढ़ना एक बहुत आ, बोरिंग भी हो जाता है अनटिल एंडलेस आप कोई बहुत उस टाइप के राइटर हैं जो खुद अपनी तरफ खींच ले तो आपको एग्जामिनर को अपनी तरफ खींचना होगा और शुरू से ही प्लीज़ आप राइटिंग पर ध्यान दीजिए आपके प्रेजेंटेशन पर भी आप ध्यान दीजिए वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा बहुत काम की बातें बताई मैम आपने कि बात कहने का सलीका भाषा बरतना और हैंड राइटिंग यस हैंड राइटिंग मतलब अगर जिसकी ख़राब है वो आज ही फोर लाइन फाइव लाइन कॉपी लेकर के वो करना चालू कर दे वरना आपकी पूरी मेहनत बेकार है तो उम्मीद करते हैं कि शुभ्रा मैम को सुनकर आपको बहुत सी नई जानकारियां पता चली होंगी जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको मदद मिली होगी और जो होने वाले टॉपर्स हैं उनको अपनी मैम मिली होंगी कि क्या वजह रही बच्चे मैम को पसंद करते हैं ये तो कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे लेकिन मैम ने जो वजह बताई जो कारण उनको लगते हैं वो आपको सुनने का मौका मिला तो कैसा लगा आपको ये पूरा बातचीत का हमारा सेगमेंट ये बताने के लिए हमारा कॉमेंट बॉक्स खुला है अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा और हमें वक्त देने के लिए इतने ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया